बची हुई रोटियों की ये रेसिपी देखने के बाद आप बाहर का अनहेल्दी स्ट्रीट फूड खाना भूल जाओगे पूरे YouTube पर आपको बची हुई रोटियों से बनी इससे अच्छी रेसिपी नहीं मिलेगी ये रेसिपी देखने के बाद आप हमेशा अपने घर में चार रोटियां एक्स्ट्रा ही बनाओगे और ये इतनी हेल्दी और इजी है कि आप अपने बच्चों को रोज़ बनाकर दे सकते हैं घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप बची हुई रोटियों से ये अमेजिंग नाश्ता बनाकर उनको दे सकते हैं और उन सबको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे तो चलिए फटाफट से इस अमेजिंग और मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी को स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों वेलकम टू तो माय चैनल अतरंगी वेज फूड जहाँ पे सीधा सीधा तो कुछ भी होता ही नहीं है तो सबसे पहले हमें लेना है पनीर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है फिर एक पाँच रुपये वाला मैगी मसाले का पाउच लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे आज की जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाली है इतना अमेजिंग टेस्ट आने वाला है ना आपको कि आप बार बार इस रेसिपी को बनाकर खाओगे अब मैंने यहाँ पे डाल दी है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इससे क्या है ना एकदम कलर आ जाएगा एकदम बाहर जैसा जैसे ठेलों पर हमको मिलता है ना वो लोग तो फूड कलर यूज़ करते हैं लेकिन हमने यहाँ पे कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं साइड में अब एक और बाउल लेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम पत्ता गोभी दो मीडियम साइज़ के शिमला मिर्ची एक टमाटर सारी सब्जियों को हमें इस तरह से लच्छों में काटना है लंबा लंबा ये इस तरह से देखने में बहुत सुंदर लगता है बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार सब्जियों को किसी भी तरह से काट सकते हैं अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गाजर और थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज भी मैंने इसमें कट करके डाल दिया है एक चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची डाल देंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं एक चम्मच पिज्जा पास्ता मसाला या ओरिगेनो जो भी आपके पास हो वो आप डाल दीजिए और सारी सब्जियों को हाथ से मिक्स करें ताकि सारे जो मसाले हैं नमक है वो सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं तो ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया है सारी सब्जियों के कलर एकदम डिफरेंट डिफरेंट बहुत सुंदर लग रहे हैं अब मैंने यहाँ पर दो रोटियाँ ली हैं जो कि सुबह मैंने बनाई थी वो बच गई थी अब मैं कैंची या चाकू की मदद से हम इसको इस तरह से थोड़ा हाफ़ कट कर लेंगे पूरी रोटी को नहीं काटना है हमें हाफ़ कट कर लेंगे अब इस तरह का झारा अक्सर सारे घरों में हमको मिल ही जाता है लगभग लगभग सभी घरों में अवेलेबल होता है तो हमें क्या करना है इस तरह से देखिए वीडियो में कि मैंने किस तरह से एक के ऊपर एक इसको कवर करके और इस तरह से फैलाया है कि इसकी एक कटोरी बन के रेडी हो जाए इस तरह से इसको कटोरी के शेप में ले आना है हमें अगर आपको ऐसा लगता है कि रोटी नहीं बैठ रही है तो जहां से हमने कट लगाया ना वहां पे आप टूथपिक भी लगा अब यहाँ पर मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था जब भी आप कढ़ाई में तेल गरम करें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करें कि जिस तरह से रोटी जो है हमारी अच्छे से इसमें डूब जाए तो ये देखिए एक ऊपर से मैंने चलनी रख दी है ताकि ये ऊपर से भी सिक जाए और फूले नहीं ऊपर से और इसको एक प्रॉपर शेप मिल सके इसलिए मैंने इसको इस तरह से ऊपर से एक छन्नी की मदद से दबा के रखा है ताकि इसको एक प्रॉपर शेप मिल सके कटोरी का शेप हमको चाहिए तो ये देखिए इस तरह से हिलाते जाएंगे थोड़ा सा इसको ताकि जो नीचे का तेल है ना वो ऊपर छलनी में भी भर जाए और ऊपर से भी रोटी अच्छे से सेक सके करीब दो से ढाई मिनट मुझे लगा बिल्कुल धीमी गैस पे मैंने इसको सेका है और एक बढ़िया कलर हमको मिल गया है रोटी का और एक जो शेप हमको चाहिए था कटोरी का वो भी हमको मिल गया है ये देखिए मैंने एक में टूथपिक लगाया था एक में नहीं लगाया था इस तरह से आप टूथपिक लगा कर भी इसको लॉक कर सकते हैं ताकि ये रोटी जो है वो यहाँ से खुलेगी नहीं और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है ये देखिए आप सुन सकते हैं तो चलिए अब इसको असेंबल करते हैं असेंबल करने का तरीका भी बहुत अमेजिंग है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल भैया वाले की तरह को एक कोन में मैंने म्योनीस को फिल कर लिया ताकि मैं इसको अच्छे से फैला सकूँ चारों तरफ से आप चम्मच से भी इस तरह से फैला सकते हैं और एक म्योनीस जो सिंपल वाली रहती है वो मैंने डाल दी है फिर ऊपर से डाल दी है मैंने तंदूरी म्योनीस बिल्कुल आज तो स्ट्रीट फूड का मज़ा घर पे ही आने वाला है अब जो सब्जियां हमने मसालों में मिक्स करके रखी थी वो यहाँ पे डाल देंगे अच्छे से भर भर के जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था वो यहाँ पे डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा टुकड़ा मैंने पनीर का बचा लिया था उसको कद्दूकस कर देंगे थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे क्योंकि बिना चीज़ के बच्चों को कोई चीज़ खिलाना बहुत मुश्किल है और जब हम ठेलों पर खाना खाते हैं तब भी तो हमको भर भर के चीज़ मिलता है ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी खूब सारा ऊपर से पनीर और चीज़ ऐड कर दिया है ग्रेटर से और थोड़ी सी भुजिया सेव ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं थोड़े से अनार के दाने मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़ा सा हरा धनिया जैसे भी आप इसको ऊपर से डेकोरेट करना चाहते हैं आप इसको कर लीजिए और ये हमारी जो चाट है कटोरी चाट कहेंगे इसको या इससे भी और बेहतर कोई नाम अगर आप इसको देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ एक और तरीका मेरे दिमाग में इसको बनाने के बाद आया था उसको भी देखिए वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा है तो ये तो आपकी एक कटोरी चाट बन के हो गई है रेडी इसको देख के मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना तो चलिए फटाफट से रोटियाँ निकालिए टिफ़िन में से और बनाना शुरू कर दीजिए मेरे बच्चों को ये इतनी पसंद आई कि वो हफ्ते में दो से तीन बार मुझसे ये चीज़ बनवाते हैं एक और तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था उसको भी ज़रूर देख कर जाइएगा दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही शानदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ और आपका एक कमेंट हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो और कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आप मेरे चैनल पर देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं तो ये देखिए दूसरा भी वाली कटोरी जो है वो हमने बढ़िया से डेकोरेट कर दी है अगर आप इसको चाहें तो 10 से 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं जिससे आपका जो चीज़ है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा बाकी आप इसको ऐसे भी खाइए बहुत अच्छा लगता है हमने सब ने ऐसे ही खाया था ये इतनी माउथ वाटरिंग थी डिश कि मैं आपको क्या ही बताऊँ तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और बिना सब्सक्राइब किए तो जाना ही मत तो दोस्तों इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में